उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना क्यूलड़िया से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार मैं अमित, और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। आपको बता दें ये खबर है, ग्राम करुआ साहबगंज में एक युवक की हत्या के बाद शव को पेड़ पर लटकाए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम भेजने से रोका। नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, तत्काल गिरफ्तारी की एसपी से मांग की। ग्रामीण एसपी ने आश्वासन दिया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अपराधियों पर। तो वहीं आपको बता दें, पूर्व में भी इसी प्रकार युवक के बड़े भाई शेर सिंह की हत्या की जा चुकी है, जिसका शव पेड़ से टांग दिया गया था। आइए डालते हैं संवाददाता मुनीश कुमार गुप्ता की एक अपराध जगत की बड़ी खबर पर नजर। ये साल नहीं हुई है। इनकी दवाई थी उसमें, ये दवाई नहीं आती थी, फूट मंगाई थी कुछ नहीं हुआ। अब फिर से इनकी दवाई थी, इसलिए पोस्टमार्टम में सब क्लियर हो जाए। पोस्टमार्टम में होती है, पहले ही अपने घर से खेत में काम करने के लिए गया था, वो खेत में नहीं पहुंचा। उसके भाइयों ने तलाश किया उसे, रात में तलाश करते रहे। आज सुबह 7 बजे एक लिप्टस के पेड़ में गांव के पास उसकी डेड बॉडी लटकी हुई मिली। घर वालों का कहना है कि पास के गांव में उनकी कुछ लोगों से रंजिश है और उन्होंने इसे मार कर टांगा है। इसमें परिजनों ने एक लिखित नामजद तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा लिखा जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई चल रही है। किस तरह से घटना हुई, हमें क्या बताया था? कल क्या कह के घर से निकले थे? हम आपसे ज्यादा से लेटे, हम आए तो छोड़ चले आए। अच्छा, फिर आपको कैसे जानकारी हुई? कब पता चला आपको? ऐसा है ना, मेन चीज ये, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर फांसी खाता है तो उसकी ऐसे यहाँ इस तरीके से टूटती है, और ये तो इसकी जो हड्डी टूटी है इस तरीके से जीभ निकले आती है। ठीक है, जीभ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ दुर्घटना घटी है, मेरा मानना है। बाकी जो गांव वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये मतलब सामाजिक तरीके से जो बात है वो तो फील्ड यूनिट वाले आ रहे हैं, वही लोग बताएंगे। वैसे मतलब मेरा नज़रिया इसका इसके साथ दुर्घटना हुई। गांव वाले डेड बॉडी को क्यों नहीं उतरने दे रहे हैं, क्या गांव वालों की मांग ये है कि मतलब कप्तान साहब आएँ और फील्ड यूनिट वाले आएँ, वो अपने मतलब जैसे जो भी अपने जांच करे उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे। क्या इससे पहले भी इस तरह की घटना इस गाँव में? भाई का भाई मारा गया, रुको, एक वर्ष पहले इसी सेम कंडीशन से, सेम बिल्कुल इसी तरीके से मारा गया मुल्यमान जेल में, और मतलब वही घटना दोहराई गई है। और बाकी इनके पिताजी का क्या कहना है घर वालों का, वो अपने तहरीर दे या जो भी है वो इनका मानना है। मौके पर जो पुलिस मौजूद है इनका क्या कहना है? पुलिस का कहना ये है, जैसे मान लो गांव वालों की संतुष्टि है, पब्लिक है, जब फील्ड यूनिट आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे मान लो पुलिस भी अपना अपना काम कर रही है, पब्लिक भी अपना अपना काम कर रही है। ठीक है, क्या नाम है आपका? और ये फंस गई, ये कौन है आपके? अच्छा, ये कैसे यहाँ पहुँचे हैं? हमारे गांव तक कैसे पहुँचे, घर से बुला के लाए? अच्छा, कौन लेके लेके आए? चेतराम और राकेश। अच्छा, किस लिए बुला के लेके आए थे? हमें ना आपका काय के लिए लाए, उन्हें इस पूछियो। अच्छा, कब लेके आए? कल सुबह लाए। अच्छा, तो ये जो घटना हुई है ये कब पता लगी है? अभी पता लगी सुबह। उनसे कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या पहले? हाँ। अच्छा।